जयपुर में एक डेयरी बूथ संचालक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या की इस वारदात से आसपास दहशत फैल गई। आपको बता दें कि शहर के सदर इलाके में बीती देर रात को एक डेयरी बूथ संचालक की चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी गई। अल सुबह आसपास के लोग दूध खरीदने पहुंचे, तब डेयरी बूथ में खून बिखरा पड़ा था। वहीं बूथ संचालक का लहूलुहान हालत में शव पड़ा था। तब लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद एडिशनल डीजीपी बजरंग सिंह समेत सदर थाना प्रभारी पृथ्वी पाल सिंह मौके पर पहुंचे। मौके पर एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड टीम को बुलाकर मौका का मुआयना करवाया गया। एडिशनल डीसीपी बजरंग सिंह ने बताया कि मृतक की शिनाख्त 35 वर्षीय सुदामा के रूप में हुई है। वह मूल रूप से बिहार का रहने वाला था। यहाँ अजमेर रोड पर नटाणियों के चौराहे पर डेयरी बूथ चलाता था। सुदामा के साथ उसका भाई राम बिहारी भी इसी बूथ पर काम संभालता था। सुदामा डेयरी बूथ पर ही रहता था। उसका भाई राम बिहारी परिवार के साथ सोडाला में रहता था। वह रात को अपने घर चला जाता था, जबकि सुदामा डेयरी बूथ पर ही सोता था। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।